नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बिटेड पर स्वागत है। बहुत बच्चों का सवाल ये था कि एग्जामिनेशन अगर एक ही दिन सारे हो जाएंगे तो हमारे एग्जामिनेशन एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएंगे, तो हम अपने एग्जाम दे कैसे पाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर अगर मान लीजिए हम जाएंगे और मेरा एक ही समय पर दो एग्जामिनेशन एक साथ हो जाएंगे तो कैसे कर पाएंगे। तो इस समस्या का समाधान हम लेके आए आप सभी के साथ, और एग्जामिनेशन की एक्यूरेट डेट आप सभी को बताने वाले हैं, उसके साथ शिफ्ट भी आप सभी को बताने वाले हैं, किस शिफ्ट में आप सभी का एडमिट कार्ड आने वाला है। अभी आप सभी को बताया, अभी केवल 3 वैकेंसी का आप सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है, जिसमें आप सभी का एजुकेशन स्टेज काउंसलर, पाइनियर और आप सभी का वेटनरी। तो ये 3 चीज का आप सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है। अब हम बताने वाले हैं कि जो ट्रेडमैन, टेलीकॉम, एनिमल ट्रांसपोर्ट, SCM, SI, स्टेनो, इनके एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं, और साथ ही साथ इनकी शिफ्ट कौन सी है कि किस शिफ्ट में। और आप विश्वास नहीं मानोगे, ये वीडियो मैं रात को 2 बजे शूट कर रहा हूँ। चाहे अगर आप जो बच्चे मुझसे टेलीग्राम पर रात में बात कर रहे होंगे वो इस वीडियो में कमेंट कर देना कि हम आपसे बातें कितने बजे तक कर रहे थे। तो रात भर हमने पूरा डेटा इकट्ठा किया, बच्चों के एडमिट कार्ड चेक किए, कहाँ कहाँ उनकी डेट है, उसके बाद आप सभी के लिए लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप सभी को चार्ट दिख रहा है, मैंने यहाँ पर आप सभी को डेट वाइज 15, 18 और 27, इस 3 डेट पे आप सभी का एग्जामिनेशन होने वाला है, और शिफ्ट 1st, 2nd और 3rd, ये सारे मैंने शिफ्ट बता दिए। देखो, सबसे पहला एग्जामिनेशन ITPP का जो पहला एग्जामिनेशन होने वाला है, वो सबसे पहले होने वाला है मेरे भाई सिटी पाइनियर का होने वाला है, ठीक है, सिटी पाइनियर का होने वाला है। अगर इससे पहले मैं आप सभी को थोड़ी सी और चीजें बताना चाहता हूँ। देखो, ये हमने बहुत मेहनत करके आप सभी के लिए कोर्स बनाया है, जिसमें आप सभी को इंग्लिश मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है, इंग्लिश मिल जाएगी, प्लस मैथमेटिक्स मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाई, और प्लस आप सभी को टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। ये 3 चीजें आप सभी को मात्र 299 में मिल जाएगी, 299 में मिल जाएगी, तो आप इसको जरूर लीजिए। और इसमें मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस टीसीएस पैटर्न पे सारी चीजें हैं आप सभी को, और इसमें आप सभी को सारी क्लासेज मिल जाएंगी, इंग्लिश पूरा लाइव क्लासेज चल रहा है, मैथ में आप सभी को क्लासेस मिल जाएंगी पूरी, इसमें प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, पूरा TCS पैटर्न में सब कुछ आप सभी को मिल जाएगा। तो इस बैच से आप जरूर जुड़िएगा, जरूर जुड़िएगा अगर आपको सफलता चाहिए। अब चलते हैं, हम और भी डेटों को देख लेते हैं मेरे भाई। तो आप सभी देखिए, सिटी पाइनियर का पहले सबसे होने वाला है फर्स्ट मीटिंग, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट की बात करें हम तो आप सभी का होने वाला है SC हेड कॉन्स्टेबल वेटनरी का होगा, उसके बाद 3rd शिफ्ट में आप सभी का हेड कॉन्स्टेबल एजुकेशन एंड स्टेज काउंसलर होगा। तो 15 तारीख में अभी तक 3 एग्जामिनेशन की डेट हमें पता चली है, जितने हम 3 बच्चों का हमने एडमिट कार्ड देखा है, निकाला है, उसके बारे में पता, ये तो आपको कंफर्म भी है कि इन तीनों का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। अब बात आ जाती है हमारी हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल टेलीकॉम। तो हेड कांस्टेबल टेलीकॉम का जो हमारा पेपर है, हेड कांस्टेबल की बात करूँ, वो 18 तारीख को है, और शिफ्ट कौन सी है हमारी, पहली फर्स्ट शिफ्ट में हमारा है, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में हमारा एनिमल ट्रांसपोर्ट, जो कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट है वो हमारा सेकेंड शिफ्ट में, उसके बाद 3rd शिफ्ट में हमारा कांस्टेबल टेलीकॉम है। यानी कि ये अच्छा है कि जिन भी बच्चों ने कांस्टेबल टेलीकॉम और हेड कांस्टेबल टेलीकॉम दोनों ही अप्लाई कर रखा है, वो दोनों का पेपर दे सकते हैं, उनको बीच में गैप भी मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद यहाँ पर 27 तारीख की जो एग्जामिनेशन का डेट है, वो थोड़ा सा मैं आप सभी को बता दूँ, जितना मैं चेक कर पाया हूँ रात में 2 बजे तक, जितना अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इतने बजे तक जितना मैं चेक कर पाया हूँ, ट्रेडमैन का जो एग्जामिनेशन है मेरे भाई, वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, 8:30 से 9:30 का होगा सिटी ट्रेडमैन का। और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का होगा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आप सभी का सेकंड शिफ्ट में होने वाला है, उसके बाद 3rd शिफ्ट में आप सभी का SI स्टेनो का होने वाला है। तो जो बच्चे SI स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दोनों का दे रखे हैं, उनके लिए भी हो रखा है। और आप सभी के लिए टाइपिंग की भी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि टाइपिंग आप सभी की कैसे होने वाली, उसकी भी इन्फॉर्मेशन, तो उसकी भी वीडियो बना के आप सभी को बता दूंगा मैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक एग्जामिनेशन ये है, SI ओवरसीयर है, ये कंफर्म है, ये आप सभी का 3rd शिफ्ट में, इनका हमने चेक किया है कि इनका एग्जामिनेशन आप नहीं चेक कर पाओगे, वो हमने चेक किया इसके लिए। उसके बाद हमारे पास ये 4 एग्जामिनेशन बचते हैं, हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, SI फार्मेसिस्ट और स्टाफ नर्स, ठीक है, SI स्टाफ नर्स। इन 4 एग्जामिनेशन के हमें बच्चे नहीं मिल पाए, रात को 2 बजे तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक हमें बच्चे नहीं मिल पाए, इसके हमने एडमिट कार्ड भी ग्रुप में मांगा, मगर शायद सुबह इसको कोई बच्चा उस समय रात में सो रहा होगा, तो हम तो जाग रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ तक मुझे इस 4 एग्जामिनेशन के बच्चे नहीं मिल पाए हैं, तो इनकी शिफ्ट मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, मगर इनकी डेट जो है कंफर्म है कि इनका एग्जामिनेशन 27 तारीख को है, ठीक है मेरा। और आप सभी का 18 तारीख को केवल 3 पेपर है, हेड कांस्टेबल टेलीकॉम, सिटी एनिमल ट्रांसपोर्ट और सिटी टेलीकॉम, और 27 तारीख को आप सभी के इतने सारे पेपर देखेंगे। अब देखो ये किस तरह से इसको अरेंज करते हैं, ये उनके ऊपर है। अभी हमारे पास 4 एग्जामिनेशन कंफर्म है, ट्रेडमैन, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, SI स्टेनो, SI ओवरसियर, ये 4 एग्जामिनेशन जो है वो कंफर्म है कि इस डेट पे होने वाला है। ये सारी चीजें हमने
बहुत अच्छे से डेटा निकाल कर उसको एनालिसिस किया, आपको नहीं मिलेगा ये यूट्यूब में कहीं पर भी, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बता पाएगा कि किस शिफ्ट में किसका एग्जामिनेशन होने वाला है। और अब जो बताएंगे भी वो हमारे कॉपी करके आप सभी को बताने वाले हैं, तो आप सावधान रहिएगा उन लोगों से कि उनको कुछ पता नहीं है, वो हमारा कॉपी करते हैं। कोई बात नहीं, हमारे वजह से किसी घर चल रहा है तो हमें खुशी है। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाली है, सिटी पायनियर का, हेड कॉन्स्टेबल वेटनरी का, और हेड एजुकेशन स्टेट काउंसिलर का, एनिमल ट्रांसपोर्ट का, सिटी टेलीकॉम का, SI स्टेनो का, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल का, तो सबका हमने एग्जामिनेशन डेट बता दी। तो आप अपने हिसाब से इसका टिकट भी करवा सकते हो, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद करा लेना। मगर को बात यह है कि हमें सिटी नहीं पता, हमें केवल डेट और शिफ्ट पता चल पाई है, अभी आपकी सिटी नहीं पता। सिटी कब पता चलेगी, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब आप सभी की सिटी भी पता चल जाएगी आपको। अभी हमें बस इतना पता चल पाया है कि आप सभी की शिफ्ट क्या है और आप सभी की टाइमिंग क्या है, ये पता चल पाया, बस डेट क्या है ये पता चला। मगर अभी हमको ये नहीं पता कि किस शहर में आपका होगा। एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए तो होम स्टेट ही आप सभी को एग्जामिनेशन सेंटर मिल रहा है, तो होम स्टेट में ही आप सभी का एग्जाम होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख लो, ये है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको पढ़ना है मेरे भाई, तो आप हमारे कॉम्बो पैक में आ सकते हैं 299। अब अगर आप सोच रहे हो 299 के बारे में भी, अगर आप सोच रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। 299 में अगर आपको इतना सब कुछ मिल जाए, इंग्लिश मिल जाए, आपको मैथ मिल जाए, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है मेरे भाई। और ऊपर से क्लासेस आप सभी को मिल रहे हैं, उसका प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है, PDF नोट्स मिल रहे हैं, क्लास नोट्स मिल रहे हैं, आपको एवरीथिंग, वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, ठीक है। हम आप सबको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 299 में मुझे लगता है बहुत ही अच्छा प्राइस है, जिसमें आप अपनी सफलता को कंफर्म कर सकते हो। बाकी हम देखते हैं आप सभी का क्या होता है, ठीक है। बाकी मैं आप सभी को बताता रहूँगा कि कैसे कैसे सारी चीज़ें, बाकी और वीडियो आप सभी को मिलती रहेगी। और टाइपिंग से रिलेटेड जो डाउट है बच्चों को, SI स्टेनो का, उनके भी हम डाउट दूर करेंगे कि टाइपिंग आप सभी की कैसे होने वाली, वो भी हम आपको बताने वाले। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके। और हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारी फैमिली का मेंबर बनिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ इन्फॉर्मेशन बहुत पहले मिल जाती है। तो रात में जो भी बच्चे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि क्या वो रात में हमसे बात करते। काफ़ी बच्चे हमसे बात कर रहे थे, शायद ज़्यादा नहीं थे, 20-25 बच्चे थे, वो थे रात को 2 बजे, तो सब सो ही रहेंगे। तो उनसे हमने बातचीत की, उनके एडमिट कार्ड चेक करके हमने ये पूरी डिटेल निकाली है। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।